हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो ये 4 सितंबर का वीडियो है जो मैं आज पोस्ट करूँगी। तो आज मेरे बेटे का, मतलब 4 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उसी की वीडियो है। तो अभी तो मैं शाम का टाइम है, तो शाम का जो मेरा काम था वो करके मैं अपने बाल बना रही हूँ, और इसके बाद जाकर मुझे करनी है खाने की तैयारी। तो शाम रात को जो केक कटिंग वगैरह होगी, तो उसमें 2-4 जो बच्चे मैंने बुलाए हैं उन्हीं के लिए बस खाना बनाना है। मतलब 4 लोग हम घर के हैं, और 4-6 छोटे 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 बड़े दोनों टाइप्स के बच्चे हैं, वो आएंगे, उन लोगों का खाना है, बस इतने ही लोगों का खाना है। तो उसकी मुझे तैयारी करनी है। तो छोले मेरे उबल रहे हैं, मैंने छोले लगा दिए थे उबालने के लिए, रख दिए हैं, तो उसी की बज रही हैं सीटियाँ। तो इसके बाद जाकर मैं उसका मसाला रेडी करूँगी, जो सब्ज़ी मुझे बनानी है। तो उसका जो मसाला है, प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह है जो, तो वो मुझे पीसना है, तो वही मैं पीसूँगी। तो मैंने जो प्याज थी वो तो पीस ली है, और अभी टमाटर हैं और हरी मिर्च मिलाकर पीस रही हूँ दोनों सब्जियों के लिए। तो थोड़ी सी मैं बनाऊँगी ना मिक्स वेज की सब्ज़ी। इस टाइम में ज़्यादा कुछ सब्ज़ी मतलब नहीं मिली। हमारे यहाँ एक दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई, तो चारों साइड पानी वगैरह भर गया ना, तो सब्जी वाले बोल रहे थे बारिश होने से पानी जब भर गया है इस करके सब्जी वगैरह नहीं आ पाई। तो इसलिए मुझे मिक्स वेज बनाने के लिए ज़्यादा सब्जियां नहीं मिली, 4-6 ही सब्जियां थी, जो अभी सीजन में वैसे भी कम सब्जियां मिलती हैं, चलती हैं जो, तो बस उतनी ही सब्जियां मिली। तो उन्हीं सब्जियों को मैंने काट के और धुल के रख दिया था, तो वही मैं, ये भिंडी है और शिमला मिर्च वगैरह है जो मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये सब्जी फ्राई करने के बाद मैं और बाकी जो सब्जी है उनको भी फ्राई करूँगी, और उसके बाद बनाऊँगी मैं ये मिक्स वेज की सब्जी। और छोले की सब्जी है जो, वो मैंने बना ली है, मेरी बन चुकी है, और बस तो थोड़े से लोगों का खाना है तो थोड़ी सा ही बनाना है, क्योंकि 2-4 आइटम बनाओ तो उसी में थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। तो थोड़े से मैंने मतलब चावल भी बनाए हैं, और ये सब्जी मेरी है जो वो फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और ये डालकर मसाला वगैरह मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा इसमें पनीर डालूँगी। तो बस यही सब्जी मेरी है जो वो बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मुझे बनानी है थोड़ी सी पूड़ियाँ, और चावल वगैरह है तो थोड़ी ही पूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं। मतलब शाम का खाना है, तो शाम को बच्चे वगैरह वैसे भी बहुत कम खाना खाते हैं, शाम एक एक दो दो पूड़ियों से ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मतलब शाम के टाइम ज़्यादातर ऐसा ही खाना खपता है, क्योंकि पूरा दिन होता है जो खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके, तो इसलिए शाम को ज़्यादा खाना नहीं खाएगा। तो ये सब्ज़ी मेरी जो है काफ़ी बन गई थी, मेरे को अंदाज़ा नहीं रहा, और सब्ज़ी मेरी बहुत बन गई थी, तो हमने दूसरे दिन भी इस सब्ज़ी को खाया था। तो खाना मेरा है जो वो बन के रेडी हो गया है, और इस अब हो रही है केक कटिंग की तैयारी। तो बस बच्चे ही हैं और हमने किसी बड़े को नहीं बुलाया है, क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, छोटा सा रूम है हमारा, तो ज़्यादा भीड़ वगैरह हो जाती है तो फिर बनता नहीं है करना कुछ भी। तो जो मेरे आसपास के बच्चे हैं वही बच्चे बुलाए हैं मैंने, और थोड़ी दूर पे रहते हैं, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं, जो फैमिली रहती है वो काफ़ी फैमिली रहती है, तो मतलब मैंने उन लोगों के बच्चों को नहीं बुलाया है। वो क्या है, आ जाते तो पूरा रूम भर जाता और कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इस करके जो मेरे बिल्कुल पास में रहते हैं बस उन्हीं बच्चों को मैंने बुलाया है। तो कुछ बड़े बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, बस इतने ही हैं जो बच्चे हैं। बस अभी केक कटिंग वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इन लोगों को खाना खिलाऊंगी।
गर्मी के टाइम में ये सब काम करने का बिल्कुल भी मतलब उतना वो नहीं होता है, क्योंकि ना अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हो गई ना, तो उस करके फिर वो चिपचिपाहट से होने लग गई। बारिश नहीं हुई थी तो मौसम ठीक लग रहा था, चिपचिपाहट नहीं थी, लेकिन बारिश हो गई और बारिश भी काफ़ी तेज हुई थी, तो मतलब अब धूप निकलती है तो चिपचिपाहट सी होने लग गई है। तो बस अभी केक कटिंग वगैरह हो गया है और उसके बाद मैं लोगों के लिए लगाऊंगी खाना, और बस खाना खा कर ये लोग चले जाएंगे, तो हम घर के ही लोग रह जाएंगे बाकी। तो ये कुछ बच्चे हैं, तो ये दोनों छोटी छोटी हैं, ट्विंस नहीं है पर ट्विंस ही लगती हैं, दोनों बहनें हैं ये दोनों छोटी छोटी। सिस्टी मिस्टी नाम है इनका, सिस्टी और श्रेया नाम है, मैं इन्हें सिस्टी और मिस्टी बोलती हूँ, और ट्विंस लगती हैं दोनों पर ट्विंस नहीं है। तो ये मेरी बेटी के साथ ही उसी स्कूल में ही जाती हैं, तो रोज़ सुबह आती हैं, जब स्कूल जाती हैं तो रोज़ सुबह आके मुझे बाय बोल कर तभी स्कूल जाती हैं। तो बस ये मेरे बेटे के साथ खेलते हैं ये बच्चे, जो ये खड़ा है छोटा सा लड़का, ये मेरे बेटे के साथ खेलता है। बस यही है मेरे बेटे का कि साथ का कोई बच्चा नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और यहाँ पे उसके साथ का कोई बच्चा नहीं है। तो अभी मैं लगा रही हूँ उन लोगों के लिए खाना, वही 5-6 लोग हैं तो वही थालियाँ लगाई हैं मैंने, तो 2 सब्जियाँ हैं, रायता है, चावल है, बस यही सब आइटम है। एक एक दो पूरी खाएंगे बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाएगा। शाम का टाइम होता है ना, सुबह का टाइम होता है ना, तो भूख थोड़ा अच्छे से लगती है, और फिर हम पूरे दिन घंटे घंटे बाद कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं ना, फिर रात के टाइम में इतना अच्छे से खाना नहीं खाया जाता है, पेट भरा हुआ होता है। तो वही हाल है, बच्चे भी हैं तो